चार पांच किस्म के मुसलमान होते हैं। एक मुसलमान होता है एक साल का, साल भर का मुसलमान है। ये कौन है? ये खाली ईद की नमाज पढ़ने जाता है, बस ईद बकरीद में घर से उठेगा और नमाज पढ़ने चला जाएगा। दूसरा मुसलमान होता है आठ दिन का, ये जुमा की नमाज पढ़ने जाएगा बस। अब हिंदुओं का आप समझ लीजिएगा, मुसलमानों का मैं बताता हूं, ठीक है ना? है ना? तो वो एक साल का है, वो एक साल में ईद बकरीद की नमाज पढ़ लेता है। वो आठ दिन का मुसलमान है, वो जुमा की नमाज पढ़ने चला जाता है। एक तीसरा है, वो पांच टाइम का है, वो रोज बेचारा पांच टाइम मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है। एक है वो सिर्फ गोश्त खाने का मुसलमान है, समझ रहे हो मेरी बात को? वो नॉनवेज खाता है, वो इसलिए मुसलमान है। ना तो साल भर का मुसलमान चलता है, ना गोश्त खाने वाला मुसलमान चलता है, ना हफ्ते वाला मुसलमान चलता है, और ना पांच टाइम वाला मुसलमान। तो वो है जो लम्हा लम्हा मुसलमान हो, क्षण क्षण मुसलमान हो, जमीन जमीन मुसलमान हो और आसमान आसमान मुसलमान हो। अब तुम पूछोगे कि क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब ये है कि पैगंबर ने कहा कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंची हो, अपने गरीबान में झांक के देख, अगर वो ऐसा है तो वो जमीन पे भी मुसलमान है और आसमान पे भी मुसलमान है, और अगर वो ऐसा नहीं है तो वो अपने अम्मा को तो बता सकता है कि मुसलमान है, अब्बा को भी बता सकता है कि मुसलमान है, मुल्ला को भी बता सकता है कि मुसलमान है, मोहम्मद को नहीं बता सकता।